बिहार पुलिस सप्ताह के दूसरे दिन पूर्णिया पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर थाना क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत पूर्णिया पुलिस लाइन में कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पब्लिक टीम ने जीत दर्ज की। वहीं कस्बा थाना द्वारा भी उच्च विद्यालय कस्बा में पुलिस टीम और महिला पब्लिक टीम के बीच कबड्डी मैच का आयोजन हुआ, जिसमें महिला पब्लिक टीम ने जीत हासिल की। पूर्णिया से अंकित कुमार और कस्बा से मुख्तार आलम की रिपोर्ट। पुलिस एकादश महिला टीम से एक कैमरे का सफल उद्घाटन भी इन लोगों के द्वारा किया गया है। हम तो यहाँ कहना चाहेंगे कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, हम तो आंकने में गलती कर दिए। हमारी टीम को हम चुपके से बोले कि देखो वो छोटी छोटी बच्ची है, ज्यादा जो है जोर नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ हम गलती कर गए। जब तक आभास हुआ कि यहाँ जोर लगाना चाहिए, तब तक हम लोग हार चुके थे। बहुत बढ़िया खेली, बहुत बढ़िया लगा हम लोग को। सारे लोग की सहानुभूति, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, पब्लिक की तरफ से हो, सबकी सहानुभूति केडी गर्ल्स हाई स्कूल की इन लड़कियों के साथ था। गजब की जी उठता है तुम लोगों में। चलो बहुत बढ़िया, इसी तरह से हम लोग का मैच होते रहे और इसी लक्ष्य को लेकर के कि जीतना है हमेशा। तुम लोग कोई जीतो कोई हार, लेकिन हम लोग सबका दिल जीत लियो। सब जितने दर्शक हैं तो सब लोग का दिल जीत लियो। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पूरी बिहार पुलिस के द्वारा दिनांक 22 से 27 तक बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जिला स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से एक कार्यक्रम का थीम है खेलो बिहार पुलिस के साथ। बेसिकली जो पूरे पुलिस सप्ताह का थीम है, उसमें पब्लिक और पुलिस के बीच का कनेक्ट और जो उनके बीच की दूरी को कम करना है, तो उसमें विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्मों का सहारा दिया जा रहा है। तो खेल एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग एक ही मंच पर आकर के कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनमें जो खेल भावना होती है और उसमें और कोई फायदा नहीं रहता। तो उसी माध्यम से पब्लिक की विभिन्न टीमों के साथ जो पुलिस की टीम है, वो आज और आने वाले दिनों में जो है खेल के माध्यम से जुड़ेंगी। आज ये पुलिस के अंदर जैसे आप देख सकते हैं, महिला और पुरुष का कबड्डी का आयोजन किया गया है, जिसमें एक तरफ पुलिस की महिला और पुरुष की टीम है और दूसरी तरफ पब्लिक की टीम है। उसी कड़ी में आज दिन में जो है क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन की टीम भी है एक तरफ और बाकी पब्लिक की टीम है। उसी कड़ी में विभिन्न थाना स्तर पर, जैसा कि पूर्व में भी कल बताया गया है कि जो लोग जिला स्तर पर या जो पूर्णिया पुलिस के द्वारा गोद लिया गया गाँव है चांदी गाँव, जहाँ पर एथलेटिक्स की, फुटबॉल की और क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है, जिसमें लगभग 10 से 12 टीमों का पार्टिसिपेशन है एक इवेंट में, उसमें नहीं आ सकते हैं या जिला स्तर पर नहीं आ सकते, वो अपने नज़दीकी थाना में जाएं और अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और उस माध्यम से इस पुलिस सप्ताह का हिस्सा बने। तो जो दूर सुदूर के लोग हैं, वो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी थाना में जाकर पुलिस सप्ताह का जो है हिस्सा बन सकते हैं। और कल से काफ़ी पब्लिक ने इस पुलिस सप्ताह के माध्यम से पुलिस के साथ कनेक्ट किया है और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो है 27 तारीख हम लोग अन्य माध्यमों से निश्चित रूप से पब्लिक के साथ कनेक्ट करेंगे और पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी है वो निश्चित रूप से कम होगी और पुलिस की जो पब्लिक फ्रेंडली इमेज है वो सशक्त हो सकती है।